महिलाओं की आधी जिंदगी पति की तलाश में और बाकी की आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। भारत में जो ज्यादा कर्जा लेता है वो भाग जाते हैं, जो कम लेते हैं उनका माफ हो जाता है, जो नहीं लेते हैं उनसे फिर दोनों का कर्जा वसूल किया जाता है। हमारा कानून इसलिए महान है क्योंकि यह पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों पर नहीं बल्कि पॉलीथीन में सब्जी बेचने वाले लोगों पे कार्यवाही और चालान लगता है। भगवान हर जगह जाकर इंसान को उसके पापों की सजा नहीं दे सकता है, इसलिए पहले उसने पत्नी बनाई, फिर उसे लौकी और कद्दू की सब्जी बनाने का हुनर दे दिया। फिटनेस टेस्ट करने का देसी तरीका, टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस ले। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट है और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरा गांव घूमती है लेकिन मंदिर में जाने से डरती है? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। पिछले एक हफ्ते से रोज दिन में 5-6 बार लाइट जा रही है। पिछले विभाग को कॉल करके पूछा, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है फिर भी इतनी लाइट जा रही है? वह बोले, जी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। विवाह की बात हमेशा हिंदी में ही करना चाहिए, अंग्रेजी से जरा बच के रहे। लड़की वाले, बेटा क्या करते हो? लड़का, आई एम एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। लड़की वाले, बेटा वाह। शादी के बाद पता चला वो लड़का पंचर बनाता है। ससुर जी तीसरी मंजिल से 3 बार कूदने की कोशिश कर चुके हैं। लड़की वाले, बेटा क्या करते हो? लड़का, I am chief executive in Clean India Initiative and permanent member of Swachh Bharat Abhiyan. लड़की वाले, बेटा वाह। शादी के बाद पता चला लड़का इधर ही 2 गली छोड़ के स्वीपर का काम करता है। ससुर जी को आगरा ले जाने का प्रबंध किया गया है। तीसरा, लड़की वाले, बेटा क्या करते हो? लड़का, I run a startup. प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स ऑर्गेनिक माउथ रिफ्रेशनर। लड़की वाले, बेटा वाह। शादी के बाद पता चला नुक्कड़ पे पान की दुकान है। ससुर जी के प्राण पखेरु उड़ते उड़ते बचे। लड़की वाले, बेटा क्या करते हो? लड़का, आई एम मेटलर्जिकल एमलगेमेशन इंजीनियर। शादी के बाद पता चला लड़का वेल्डर है। ससुर जी चारों खाने चित हो गए। लड़की वाले, बेटा क्या करते हो? लड़का, आई एम सीनियर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग ऑफिसर। लड़की वाले, बेटा वाह। शादी के बाद पता चला लड़का बिल्डिंग का चौकीदार है। ससुर जी गिर पड़े फिर उठे ही नहीं, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा का उपयोग ही सही है। पति बाजार में था कि उसकी पत्नी का फोन आया और बोली, सुनो मेरी मम्मी आई हुई है, आते हुए बाजार से कुछ लेते आना। तो पति टैक्सी ले आया। अब पति के सर पे 3 टाके आए हैं और हाथ पैर पे पट्टी बंधी हुई है। एक सच बात, जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीची और दूसरा घमंडी, क्योंकि बीची अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा।